क्या नाम रखा है इसका? अभी नाम कोई कुछ बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहे हैं। अब ये सकीना लग रही है, ये सकीना लग रही है। हैप्पी बर्थडे हाय गाइस, दिस इज बी तायरांग और वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आपकी फरमाइश पे मैंने सोचा एक और ब्लॉग बना देना चाहिए। रोज़ों में मतलब रमज़ानों के अंदर ब्लॉग करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने सोचा कि बनाने मतलब आज बना लो कुछ। अस्सलाम वालेकुम मलाइका। अस्सलाम, क्या हाल है? रोज़ा लग रहा है? रोज़ा तो नहीं लग रहा, रोज जैसा लग रहा है। ओहो, और क्या कुकिंग हो रही है रमैसा भाई? क्या बना रही हो? चिकन ब्रेड बॉल्स। चिकन ब्रेड बॉल्स बन रही हैं गाइस। वैसा बना रही है मलाइका उसकी हेल्प करते हुए, और मम्मा भी हेल्प कर रही हैं। मम्मा सिखा रही हैं बॉल बनाना, लेकिन मुझे बॉल नहीं आ रही बनाने। चलो अच्छी बात है गाइस, इन लोगों का ऐसा सीन चलता रहेगा। नहीं नहीं, देखो ना इस पानी लगाती था। नई नई लड़कियाँ ना गाइस एक्सपीरियंस ले रही हैं कुकिंग का, क्योंकि आज सकीना का बर्थडे भी, और आज हमारे घर में एक मेहमान भी हमेशा के लिए आ चुका है। मैं मलाइका की बात बिल्कुल नहीं कर रहा था मैं किसी और की बात कर रहा था। हमारे यहाँ मलाइका अब हमारी मेहमान नहीं है बेटा, मलाइका हमारे घर की बंदी है। आपकी वाइफ? हाँ, हाँ वो तो है, लेकिन मैं किसी और मतलब वो भी हमारे घर का अफराद। वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन हाँ उनको आए हुए 2 दिन हुए। मैं आपको आज उनसे मिलवाऊंगा, बहुत कोई हसीन तरीन आदमी है वो यार, और आप लोग देखेंगे तो ये आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे। बर्थडे टू यू सकीना। ये वेलकम, सफाई कर रही हो? बेडशीट सही कर रही थी। बेडशीट सही कर रही थी। सकीना का बर्थडे, और आज हम बर्थडे करेंगे, छोटा सा केक शेक काटेंगे। सही है, तुम्हारे लिए केक मंगवा लिया है? है? यस। अभी काटते हैं सारी के बाद, लेकिन बड़ी बर्थडे भी करेंगे। हाँ हाँ, बड़ी बर्थडे भी करेंगे करेंगे करेंगे। क्या हो गया जी? कहाँ दिया? यार गाइस बहुत झूठ बोलती है, इतने गिफ्ट दिए हैं। कोई नहीं, वो तो है भी दिया, लेकिन बर्थडे के लिए हाथ से कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया। अच्छा, इस बार तो मैं पक्का लूंगी। चलो चलो चलो, सही सही। सो गाइस, हाँ भाई, आज है सकीना का बर्थडे। तो तुमने सकीना को विश नहीं किया? कर दिया सबसे पहले, क्या अब करूंगी ना इफ्तारी के बाद। ओहो, और मलाइका शायद गिफ्ट भी लेके आई, तुमको छुपा रही थी, मैंने देखा था। क्या छुपा रही थी? सकीना तो गिफ्ट लेकर आई है तुम्हारे लिए। वाओ यार, हम लेकिन गाइस एक बात बताऊं, सकीना का बर्थडे आता तो मार्च में, लेकिन कभी इसके बेचारे के एग्जाम्स हो रहे होते, और इस बार तो आया ही रमजान में। लो भाई, लेकिन कोई बात नहीं, हम करेंगे बर्थडे, करेंगे बड़ा बर्थडे भी करेंगे। हिरते का क्या कर रही हो? अरे पीछे है ना, आप भी आ गई है ना? आप क्या हाल है? रोजा वोजा रखा है? वाह, सरप्राइज है, आपको दिखाऊंगा यार, और बहुत कोई हसीन तरीन सरप्राइज। जब तक करना है गाइस कि आप लोग लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करते रहे मेरे चैनल को, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैं बोलना छोड़ दिया था, लेकिन अब आप करें, फिर आगे दिखाते हैं सीन्स क्या है। क्या कर रहे हो रोजा? तो मैं पैक करना नहीं आ रही चीज, बॉल बॉल बनाने नहीं आ रही यार। तो मैं, अवतार हमारी रेडी हो चुकी है, तो अब रोजे के बाद व्लॉग। यस, मैं नमाज वगैरह पढ़ के आ गया था, और सब लोग गए हुए ऊपर मेहमान से मिलने, जो नया मेहमान आया है। तो मैंने सोचा मैं अकेला हूँ तो आप लोगों से एक स्पेशल बात क्यों ना कर लूँ। तो गाइस बात यह है कि आप लोगों ने देखा होगा, पहले मेरे शोज़ में मैं होता था तो मेरे बड़े बड़े बाल होते थे, क्योंकि शूट्स वगैरह, तो उसके बाद मेरे बाल ख़राब हो गए थे। हेयर ड्रायर, वैक्स, ये चीज़ें शूट्स पर जब बंदा यूज़ करता है उससे बाल आपके ख़राब होते थे, जिसकी वजह से मैंने बाल छोटे करा लिए थे। लेकिन अब फिर मैंने उसके बाद मेरे वापस साइड्स भरने लग गए, क्योंकि पूरी खाली हो गई थी, गंज हो गया था, तो अब मेरी साइड साथ में देखा होगा वापस सही होने लग गई, और मैंने सोचा वापस बाल बढ़ाऊं, क्योंकि बहुत लोग मुझे बड़े बालों में पसंद करते थे। तो अब मैंने वापस बड़े बाल करने का फैसला किया है, लेकिन ये बाल मेरे अच्छे कैसे हुए इसका रीज़न मैं आपको अब बताऊंगा। तो भाई मेरे किसी एक दोस्त ने एक मुझे चीज़ रिकमेंड की, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मेरे दोस्त ने मुझे ज़ुल्फ़ का हेयर ऑयल और हेयर मरम रिकमेंड किया, और लिटरली गाइस मैंने यूज़ किया, तो एक महीने के अंदर अंदर मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए, स्ट्रांग हो गए, कड़क हो गए, टूटना ख़त्म हो गए। तो थैंक यू ब्रो, तूने मुझे ये रिकमेंड किया, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि ये ऑयल ज़रूर यूज़ करें, ज़ुल्फ़ का हेयर ऑयल। आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छा ऑयल है, और मैं वैसे इतना ऑयलिंग नहीं करता था, एक महीने के अंदर फ़र्क देखा, तो मैंने दूसरी बॉटल ऑर्डर की। तो मैंने सोचा यार क्यों ना यार, जब मेरे पास ये सीन अच्छा हो गया मेरा, तो मैंने सोचा मेरा अच्छा सीन हो गया तो आप लोगों का भी हो सकता है। तो गाइस आई मस्ट रिकमेंड, जाएं और ऑर्डर करें। गाइस जो मेहमान आपको मैं दिखाना चाहता था वो मैंने दिखा दिया है,
ये आ गया है मुन्ना। गाइस माशाल्लाह बोलिएगा। माशाल्लाह वो जरूरी है। इनका सबसे छोटा देवर है मलाइका का। जी गाइस ये मेरा छोटा भाई है। माशाल्लाह माशाल्लाह यार हाउ क्यूट। कभी ना कभी तायरान की चाची इंशाल्लाह। बहुत प्यारा लग रहा है यार माशाल्लाह। इतिकाफ का भाई तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। लेकिन मेरा भी भाई है गाइस, मेरा भी भाई है छोटा। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत कोई हसीन तो नहीं। अच्छा लगा ये। बच्चे तो होते ही अच्छे हैं ना। तो सब अच्छे पसंद होते हैं किसी के भी हो। हाँ। वाह यार। लेकिन कुछ कुछ बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये बहुत अच्छा है या नॉर्मल अच्छा है? नहीं नहीं ये तो बहुत प्यारा है। जाहिर सी बात है हमारे घर का बच्चा है यार, मेरा छोटा भाई है वो तो होगा। जब ये आपके जैसा। क्या नाम रखा है इसका? अभी नाम कोई कुछ बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहे हैं। चलो इसका नाम सोचते हैं गाइस। मतलब कल ही तो इसकी जन्नत से एंट्री हुई है हमारे घर में। नहीं कल नहीं परसों। हाँ सॉरी परसों इसकी एंट्री हुई है जन्नत से। आपको नहीं मालूम मुझे मालूम है। मैं भूल गया था सॉरी यार। कब आया इर्तिका? पैदा कब हुआ है यार? घर का तो मुझे पता है। पैदा कब हुआ? परसों। मैं देवर को गोद में लेकर लो चली मैं। हाँ और सकीना का बर्थडे और केक भी आ गया है और हमारे घर में नया मेहमान मेरा छोटा भाई भी आ गया। तो साथ सबके केक का यार रिंग लाइट तो ऑन करो। सकीना की बर्थडे में और हमारा छोटा भाई भी शामिल हो रहा है। गाइस आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या नाम रखे इसका। अभी तक हमने नाम नहीं रखा है तो जिसका नाम अच्छा लगेगा ना वो हो सकता है हम रख दें। वैसे यूसुफ आपने क्या सोचा है नाम? अच्छा और आपने? इसने अशर अशर गए अशर सोचा था। और आपने? अशर। और आपने? अशर अशर वो मना हो गया। मना हो गया मेरा अर्थ गुल रख दो। तमने क्या सोचा? मैंने सालार सोचा था। सालार बड़ा अच्छा नाम। सालार अच्छा है ना? क्या बात है। सालार सिकंदर। हेड नाम सिकंदर। वाह वाह इश्क मुर्शिद शामिर सिकंदर। खैर गाइस अब सकीना का केक कट रहा है बर्थडे का। हैप्पी बर्थडे टू यू सकीना। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे सकीना। हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या बात है क्या बात है यार। हमेशा खुश रहो। फाइनली सकीना का केक कट चुका है। हैप्पी बर्थडे सकीना। हो गया था केक मुंह में लगा हुआ है ना इस वजह से निकल गया था कुछ भी। सकीना की सालगिरह के ऊपर हमारा नया भाई छोटा। वाह माशाल्लाह। मलाइका केक की रिस्पांसिबिलिटी तुम्हारी है, डिस्ट्रीब्यूट करो सारे छोटे बहन भाइयों में अपने गिफ्ट दे रही है। सकीना का मुंह में सकीना का नाम मेरे मुंह में सकाना सकाना आ रहा है। वाह यार दिखाना जरा इसमें क्या है। चलो पहले मलाइका का गिफ्ट देखो। मैसा आ जाओ। पिज्जा तो सकीना खाती रहती है लेकिन हाँ। ये देखें इसमें क्या है। ये आए ना। लेट्स सी गाइस मलाइका गिफ्ट क्या मंगाया था। लेट्स सी क्या है इसमें चेक तो करें हमें भी दिखाओ यार। फ्रेम मलाइका तो इतने दे रही है हमारे घर में फ्रेम लगाने की अब जगह नहीं बची। ये सकीना ही है जरा दिखा ना वापस। मैं हूं भाई क्या अस्तगफुरुल्लाह। नहीं नहीं इतनी प्यारी तो है। मजाक कर रहा मेरी बहन है यार। पापा को दिखा कर आओ। वाह यार ओके वाओ वाओ यार नहीं वाओ अच्छी लगती है। अच्छी बच्ची है यार मलाइका। भाईजान भाभी दोनों को बहुत अच्छा गिफ्ट लगा और हैप्पी बर्थडे टू यू अगेन। और इस व्लॉग को गाइस क्या हो गया खैर है कोई बात नहीं। असल में मलाइका ने नीचे रखवा दिया था गिफ्ट और चाचू लोग दावत में चले गए थे
क्या वो जा रही हो? नहीं नहीं मुबारक हो। अच्छा मैंने कहा मलाइका जा रही है। नहीं नहीं आप छोड़कर आओ। आज मेरी मामा की आखिरी बेटी आई थी इस वजह से मम्मा को मुबारकबाद थी। लगी कि जगह तो है ही नहीं, हर पूरे जो है फ्रेम यहाँ पे फुल हुए हुए। अब एक ही तरीका है लेकिन ना घर के बाहर लगा देते। यार सकीना के बचपन की तस्वीर लगी ना मलाइका, ये उतारना तरह नहीं है। सकीना के बचपन की तस्वीर है बस, ये हटेगी तो उसके पास ये लग सकती है, उसके अलावा तो कोई स्पेस ही नहीं है गाइस, क्योंकि आपको पता है ये हटेगी ये लगेगी वो हटेगी। आप देख सकते हो सकीना की बचपन की तस्वीर। चलो भाई हटा दी सकीना ने, अब ये तस्वीर वहाँ लगेगी। पापा लगाएंगे। पापा अभी कील ठोकेंगे और ये तस्वीर लगाएंगे। वैसे स्पेस नहीं था लेकिन तुम्हारे लिए बनाना पड़ रहा है यार। हाँ आप सच बताइएगा, ये सकीना लग रही है, ये सकीना लग रही है यार। ये तो नहीं लगे, तो पान खाने वाली है। अरे यही तो लग रही हो तुम। कमेंट में बताएंगे गाइस। तो गाइस अब इस ब्लॉग को हम लोग एंड करते हैं यहाँ पे। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।